चिश्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से निपटने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख दृढ़ता से डटे हुए हैं। वहीं इस बीच सेना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना के बारे में एक बार फिर से विस्तार से जानकारी दी है। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी ने कहा कि यह योजना काफी विचार विमर्श करके लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं में जोश होश के बीच तालमेल बनाना है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। सभी अग्निवीरों को आम जवानों की फायदे मिलेंगे, साथ ही आज की तुलना में अग्निवीरों से ज्यादा अलाउंस मिलेगा और बलिदान देने वाले जवान को 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी मिलेगा। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया उसके अंदर चेंज क्यों करा गया। इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था करने का। इस पे स्टडीज चल रही थी, मैंने आपको बताया कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए। बिकॉज इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म, हमें जरूरत थी आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने की। दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स इन इंग्लिश, द notification and registration process for the enrollment of first batch of Agniveers into the Indian Air Force will go live online on 24th of June. Exactly 1 month later, on 24th of July, the well-established system of online examination for phase one will commence, and before the end of the year, the first batch, the intake 1 of 22 for Agniveer for Indian Air Force will be enrolled, and 30th December is the date on which the training for intake 1 of 22 will commence. Do 3 dinon mein 25 June tak jo hamara advertisement hai wo Ministry of Information Broadcasting mein pahunch jayega. एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइमलाइंस हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। खबर हरदोई से है, जहां दूल्हे को विकलांग बताकर लड़की के मामा ने शादी से इनकार कर दिया। घंटों मशक्कत के बाद भी बिना दूल्हे के बारात लौट गई, जिसके बाद मामले में दूल्हा पक्ष के स्थानीय पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता किया। खबर मथुरा से है, जहां DIG रेलवे सौरभ त्रिपाठी ने मथुरा के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही बंदी के चलते ट्रेनों की सुरक्षा पर जोर दिया। वहीं इस दौरान DIG सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने जो तोड़फोड़ की है वो बहुत ही निंदनीय है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त है और भ्रष्टाचारियों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है।
वहीं ग्राम प्रधान द्वारा नाले निर्माण का कार्य चलवाया जा रहा है और नाला निर्माण के कार्य में मानक की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि नाला निर्माण कार्य में न तो सही ईंट का इस्तेमाल हो रहा और न ही सही मटेरियल का। पटवारी नाप के गए तो लोग नाली बना रहे थे, तो पटवारी जहाँ से नाप के गए वहाँ से नहीं बनाए, हमारे चक में ले लिए। तो हम जब उनको बोले कि जो पटवारी नाप के गए थे उधर से बनाइए, तो वो बोलते हैं कि नहीं, इधर ही से बनेगा, जो तुमको करना है कर लो। ये जो नाली बन रही है हमारे खेत और कमिया के बीच में, ये बहुत थर्ड क्लास ईटा से बन रहा है और उसमें थर्ड क्लास का मटेरियल 8-1 का बनाया जा रहा है, जो कि कार्य एकदम थर्ड क्लास है। खबर फर्रुखाबाद से है, जो अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव करने का प्रयास किया। इस दौरान जिले में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया, उसके बावजूद भी पादरियों ने पथराव का प्रयास किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 युवाओं को गिरफ्त में लेकर कोतवाली भेजी और पूछताछ शुरू की। बता दें सारा मामला फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र की है। कोतवाली फर्रुखाबाद के ITI श्याम नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास आज सुबह करीब 11 बजे कुछ युवकों के द्वारा कानपुर जा रही ट्रेन पर पथराव करने का प्रयास किया गया, जिसके पुलिस की सतर्कता के चलते पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ दिया। साथ ही भागते हुए युवकों में से 4 युवकों को हिरासत में लिया गया, उन पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आगरा पुलिस एसओजी ने फिल्मी अंदाज में गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह मारुति की गाड़ियों को अपना निशाना बनाया करते हैं। गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद बोनट को खोलकर सॉफ्टवेयर की मदद से यह चोर गाड़ी की चाबी बना लिया करते थे, जिसके बाद गाड़ी को लेकर 9-2-11 हो जाते थे। वही पुलिस 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। वही पुलिस जिनके पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, 24 स्कैनर, 5 लग्जरी कार और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। ये SPRA वेस्ट साहब के निर्देशन में पर्यवेक्षण में ये एक बहुत ही अच्छा कारतूर गैंग पकड़ा गया है और इसके छः अभियुक्त एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 5 लग्जरी कार चोरी हुई हैं, 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इसके बाद इसके अलावा कार की चाबी बनाने का जो स्कैनर है वो बरामद हुआ है, डिवाइस पूरी बरामद हुई है, पूरी टूल किट बरामद हुई है, बहुत सारी चाबियाँ बरामद हुई हैं। सेना भर्ती को लेकर आए नए शासनादेश अग्निपथ को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और यह आक्रोश किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी चल रहा है। इसको लेकर कुछ युवाओं ने बलिया की तरफ से आने वाली ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिसकी जानकारी मिलते ही मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवाओं को समझाने का प्रयास किया। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की इस साल हुई बारिश ने पोल खोल दी है। अतिक्रमण हटाने से लेकर सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरे महानगर में जगह जगह सड़कों और गलियों में जलभराव हो गया। वही स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगातार बरसात से पहले कई बार नाले नालियों की सफाई के लिए आवाज उठाई जाती रही है। नगर निगम का घेराव भी हुआ है, मगर नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ कागजों में कार्य करते हैं। मैं यहाँ समुद्र रोड ड्राइवर, मेरी शॉप है। जल भराव की समस्या मैं करीब 15 सालों से देख रहा हूँ। 15 सालों से लगातार जल भराव की समस्या इस किराए पर हमेशा बनी रही है और जिसका समाधान अभी तक नगर निगम या किसी भी विभाग द्वारा नहीं किया गया। कहने को हमारा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आ गया है, लेकिन स्मार्ट वाले कोई भी काम अगर ज़मीनी तौर पर देखे जाएँ तो अभी तक नहीं किए गए। जल भराव अलीगढ़ पूरे शहर की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है और जिस पर मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी काम किया जा रहा है। सेना की नई भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ को लेकर आगरा रेल डिवीजन ने हाई अलर्ट जारी किया है। वही पश्चिम जोन के DIG सौरभ द्विवेदी ने आगरा कैंट पर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान RPF, GRPF और सिविल पुलिस मौजूद रहे। RPF निरीक्षक सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि युवाओं द्वारा अग्निपथ को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें शांतिपूर्ण अपनी बात उचित मंच पर रखनी चाहिए। भारतीय रेल हम सबकी है, इस संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, साथ ही आगजनी और उपद्रव करने से युवाओं के भविष्य को भी खतरा है।
किसी को भी कोई ऐसे गतिविधि में शामिल होने के लिए सतर्क किया जा रहा है कि ऐसे वो लोग प्रदर्शन करें, कुछ उसमें ऐसे अराजक तत्व आ जाएं जो उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो सकता है और भविष्य नौकरी पर उनकी प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह की सारी जो सार्थक बातें हैं उन्हें बताई जा रही हैं, उससे काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है और हमने अपने जनपद में देखा कि हमारे जनपद में जो नवयुवक हैं वो बहुत कम संख्या में निकले और निकले भी हैं तो उन्हें समझा बुझा कर वापस कर दिया गया। संपूर्ण भारतवर्ष में जो छात्र हैं या जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है अग्निपथ को लेकर, उसके संबंध में रेलवे बोर्ड के दिशा जो निर्देश हैं उनके अनुपालन में माननीय DIG महोदय द्वारा आगरा कैंट स्टेशन पर मार्च पास्ट किया गया। मार्च पास्ट में GRP, RPF, RPSF, सिविल पुलिस सभी मौजूद रहे। यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है भी, वर्तमान में कहीं भी किसी भी इलाके से किसी भी प्रकार की प्रदर्शन की कोई सूचना नहीं। खबर गोंडा से है, जहां जितने भी डीजल पेट्रोल पंप का संकट गहराने लगा है। डिपो से तेल की आपूर्ति नहीं होने से जनपद में तमाम पेट्रोल पंप ड्राई चल रहे हैं। वहीं रिलायंस पंप पिछले 10 जून से ड्राई चल रहा है और उसके बाद अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर तेल नहीं मिल पा रहा है। भारत पेट्रोलियम कंपनियों के डीलर तेल लेने के लिए गोंडा डिपो का चक्कर काट रहे हैं। वहीं डीलरों का कहना है कि 3-4 दिन में चक्कर लगाने के बाद भी तेल नहीं मिल रहा है। मेरा नाम अनूप है, तेल रिलायंस लगी है नहीं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं आगे देख रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आप आए हुए थे? किस तरह की दिक्कतें नहीं हो रही है आपको यहाँ पंप पे तेल नहीं मिला? तो दिक्कत हो रही है, अब कहीं लगा के देखना पड़ेगा हमको। 7-8 गाड़ी लोड नहीं हुई थी, रुक गई थी। तेल इसका मतलब कम आ रहा है? कम आ रहा है कि कम यहाँ से दे रहा है कि हमको? दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो बैठने पड़ता है, क्या करें, लोड नहीं हो रहा है गाड़ी। अच्छा, पहले आराम से लोड। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।